मैं आरके सिंह, सुखू मेमोरियल पब्लिक स्कूल, उत्तरीपुर, शंभुगंज, जौनपुर में कक्षा 9 की समस्त छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को क्रियाकारक कौतूहलम, क्रियाकारक कौतूहलम पाठ पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें पहला जो है, पहला श्लोक है, आप लोग किताब खोल लें और हम जो है श्लोक पढ़ रहे हैं और उसका धीरे धीरे अर्थ बता रहे हैं, ध्यान से आप लोग सुनें। पहला श्लोक है, उद्यम साहस धैर्य बुद्धि शक्ति पराक्रम खडेते यत्र वर्तन्ते, खडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहाय कृत। उद्यम साहस धैर्य बुद्धि शक्ति पराक्रम खडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहाय कृत। उद्यम माने परिश्रम, साहस धैर्य बुद्धि शक्ति और पराक्रम, पराक्रम माने शक्ति, परिश्रम साहस धैर्य बुद्धि शक्ति और पराक्रम। खडेते यत्र वर्तन्ते, ये छह चीजें जहां पर होती हैं, जिसके पास होती हैं। खडेते यत्र वर्तन्ते, ये छह चीजें कौन कौन? उद्यम साहस धैर्य बुद्धि शक्ति और पराक्रम। खडेते यत्र वर्तन्ते, ये छह चीजें जिसके पास होती हैं, तत्र देव सहाय कृत है, उसकी देवता भी सहायता करते हैं। कब का कहना है कि परिश्रम साहस धैर्य बुद्धि शक्ति और पराक्रम, ये छह चीजें जिसके पास होती हैं, उसकी सहायता देवता भी करते हैं। विनयो वंशमाख्याति, विनम्रता जो है वह वंश को बतला देती है। विनम्र व्यक्ति है तो इससे यह पता चलता है किसके परिवार के लोग भी अच्छे हैं। तो विनयो वंशमाख्याति, विनम्रता जो है वह परिवार को, वंश को, कुल को बता देती है। देश माख्याति भाषितम, और भाषा जो है बोली, भाषा माने बोली, बोली वह जो है देश को बता देती है किस देश का रहने वाला है। संभ्रमम स्नेहम ख्याति, संभ्रमम, संभ्रमम माने होता है कि हाव भाव, हाव भाव जो है वह इसको बता देती है, स्नेह को बता देती है। हाव भाव जो है वह स्नेह को बता देती है। व्याकुलता अधीरता, ये जो है प्रेम, इससे प्रेम का पता चल जाता है। बपुरा ख्याति भोजनम, और भोजन माने अच्छा जो है भोजन का, शरीर जो है वह भोजन के विषय में बता देती है। शरीर जो है वह भोजन के विषय में बता देती है कि अच्छा खासा खाया तभी मोटा तगड़ा हो गया है, है जो जैसा खा। तो यही कहा, विनयो वंशमाख्याति, विनम्रता जो है वह कुल को बता देती है। देश माख्याति भाषितम, भाषा, भाषा जो है वह देश को बता देती है। संभ्रमम स्नेहमाख्याति, और कहा कि ये जो है संभ्रमम, व्याकुलता और अधीरता से प्रेम का पता चल जाता है। बपुरा ख्याति भोजनम, और अच्छा शरीर जो है, और शरीर जो है भोजन के विषय में बतला देता है। अगला है श्लोक, मृगा मृगै संग्रमम अनुव्रजन्ति, हिरण जो है वह हिरण के ही समूह में रहता है, उसके समूह का अनुसरण करता है।
मृगा मृगई संगमन नु ब्रजंती। हिरण जो है वह हिरण के साथ रहता है, उसी का जो है अनुसरण करता है। गावस्त गोदी, और गाय जो है गायों के समूह का अनुसरण करता है, या गाय जो है गाय के पीछे ही चलती है। और तुरंगस्ता तुरंगई, घोड़े जो है वह घोड़े के साथ ही चलते हैं, घोड़े जो हैं घोड़े के साथ ही चलते हैं। मूर्खाश्च मूर्खई, और मूर्ख लोग जो है मूर्खों के साथ ही चलते हैं, चोर चोरों के साथ रही। मूर्खाश्च मूर्खई, मूर्ख व्यक्ति जो है मूर्ख लोग जो है मूर्ख के ही साथ रहते हैं। सुधी सुधवी, विद्वान जो है विद्वानों के साथ ही रहते हैं। समान शील व्यसनेशु संख्यम, समान शील व्यसनेशु संख्यम, कहा कि समान आचरण वाले मित्रता उनसे होती है, मित्रता उनसे होती है जिनके स्वभाव और लगाव एक समान होते हैं, जिनके स्वभाव और लगाव जो है एक समान होते हैं। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय खलस्य साधो विपरीत मेतत ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या विवादाय धनम मदाय, यहां जो है मूर्ख और बुद्धिमान व्यक्तियों की जो है के बारे में बताया है कवि ने, कि अगर मूर्ख को विद्या प्राप्त हो जाती है, मूर्ख को विद्या प्राप्त हो जाती है तो अब विवाद करता है। विद्या विवादाय, मूर्ख को विद्या प्राप्त हो जाती है तो उससे झगड़ा करता है। झगड़ा करेंगो धनम मदाय, और मूर्ख को अगर धन की प्राप्ति हो जाती है तो उसके अंदर मद आ जाता है, घमंड आ जाता है। परेशान पर पीड़नाय, और उसे शक्ति मिल जाए, शक्ति परेशान पर पीड़नाय, और उसे अगर शक्ति मिल जाती है ताकत मिल जाता है तो वह दूसरों को जो है क्या करता है कष्ट पहुंचाता है, वह दूसरों को क्या करता है कष्ट पहुंचाता है। जिसको जिसको भी शक्ति मिली है, इसीलिए दानव और देवता और दानों में अंतर होता है। दानव शक्ति को प्राप्त करके, वरदान को प्राप्त करके अहंकार में आ जाते हैं, और वे जो है लोगों को दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं। तो मूर्ख लोगों को अगर शक्ति मिल जाती है तो दूसरों को क्या करता है कष्ट पहुंचाता है। खलस्य साधु, ये दुष्ट लोगों का स्वभाव है, और साधु सज्जन लोगों का स्वभाव है कि ज्ञान आए। अगर सज्जन व्यक्ति को विद्या की प्राप्ति होती है तो ज्ञान के लिए विद्या प्राप्त करते हैं, और धन मिल जाता है, सज्जन व्यक्ति को धन मिल जाता है तो उस धन का जो है दान देते हैं, लोगों को दान देते हैं। और उन्हें सज्जन व्यक्ति को अगर शक्ति मिल जाती है, वह शक्तिशाली होता है तो दूसरों की रक्षा करने के लिए होता है। क्रोधात भवति सम्मोहनम, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृत विभ्रंशम, सम्मोहात स्मृत विभ्रंशम, स्मृत भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणयस्यति। कहा कि क्रोधात भवति सम्मोहन, कवि कहता है कि क्रोधात, क्रोध से अज्ञान बढ़ता है। देखिए भाई, क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध आता है, मान रहे हैं, कहने को हम भी कह रहे हैं, लेकिन जब क्रोध आ जाता है तो एक आंख पर जो है एक झीना पर्दा पड़ जाता है। इसलिए हमें भूल करके भी जो है कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोधात क्रोध से अज्ञानता हो जाती है, अज्ञानी हो जाता है, क्रोध से जो है अज्ञान बढ़ता है। और
सम्मोहात स्मृत विभ्रंस, अब अज्ञान से स्मरण शक्ति जो है वह क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। पहले कहा कि क्रोध से अज्ञान बढ़ता है और अज्ञान से जो है अज्ञानता से स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है। सम्मोहात स्मृत विभ्रंसम, अज्ञानता से जो है स्मृत नष्ट स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है और स्मृत भ्रंश स्मरण शक्ति के नष्ट हो जाने पर बुद्धि नाशो, बुद्धि का नाश हो जाता है, बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि के नष्ट होने पर है, बुद्धि के नष्ट होने पर क्या होता है, प्रणश्यति, वह जो है स्वयं नष्ट हो जाता है। पहले कहा कि क्रोध से स्मरण शक्ति नष्ट होती है, स्मरण शक्ति से क्रोध से अज्ञानता बढ़ती है, अज्ञानता से स्मृति विभ्रंसम याददाश्त, अज्ञानता से स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है, स्मृत भ्रंशात बुद्धि नाशो, स्मरण शक्ति के नष्ट होने से बुद्धि नाश का नाश हो जाता है, बुद्धि नाशात प्रणश्यति, और बुद्धि के नष्ट होने पर मनुष्य स्वयं नष्ट हो जाता है। अगला श्लोक देखें, अलस्यस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम्, अलस्यस्य कुतो विद्या और अविद्यस्य कुतो धनम्, अधनस्य कुतो मित्रम् और अमृतस्य कुतम सुखम्। इसमें कहा अलस्यस्य कुतो विद्या, अलस्यस्य माने आलसी लोगों को, आलसी लोगों को क्या है, विद्या कहाँ प्राप्त हो सकती है, अलस्यस्य कुतो विद्या, आलसी लोगों को विद्या नहीं प्राप्त हो सकती है, अविद्यस्य कुतो धनम्, और जिसके पास विद्या नहीं है, जो विद्वान नहीं है, उसको जो है धन नहीं प्राप्त, विद्या से हीन होने पर उसे धन की प्राप्ति नहीं हो सकती है, और अधनस्य कुतो मित्रम्, और जिसके पास धन नहीं है उसको जो है मित्र नहीं हो सकते हैं, अमित्रस्य कुतः कुतः सुखम्, और जो जिसके पास मित्र नहीं है उसको जो है सुख नहीं प्राप्त हो सकता। सैले सैले न माणिक्यम मौतिकम न गजे गजे, साधो न ही सर्वत्र चंदनम न बने बनी, सैले सैले न माणिक्यम, प्रत्येक पर्वत पर हीरा नहीं प्राप्त हो सकता, मणि नहीं प्राप्त हो सकता, प्रत्येक पर्वत पर मणि नहीं प्राप्त हो सकता, और मौतिक्यम ने गजे गजे, और प्रत्येक हाथी में गज मुक्ता नहीं प्राप्त हो सकता है, और कहा कि साधो न ही सर्वत्र, सज्जन व्यक्ति सभी जगह नहीं प्राप्त हो सकते, सज्जन व्यक्ति सभी जगह नहीं प्राप्त हो सकते, चंदनम न बने बनी, और प्रत्येक जंगल में चंदन का वृक्ष जो है नहीं प्राप्त हो सकता है। इस तरह से अब हम जो है अगला जो है अगला श्लोक आप लोगों को अगले दिन पढ़ाएंगे, तब तक के लिए गुड बाय।